जिंदगी में ये बातें हमेशा याद रखना, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो पचे नहीं वो खाना नहीं, जो सत्य से रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जो मौसम की तरह बदले उसे दोस्त बनाना नहीं। तकलीफें तो जिंदगी की हिस्सा हैं, डटे रहना, घबराना नहीं। लव यू ऑल। बेटा तुम लॉकडाउन के बाद स्कूल आए हो, तुमने लॉकडाउन में घर बैठे बैठे क्या सीखा? सर बहुत कुछ सीखा है। अच्छा फिर एग्जाम में क्या लिख के आओगे? कहो ये हमार कौन बात तहरा सबसे अच्छा लागेला? ई है कि हमारे माई के तबीयत खराब बा, नैहर पहुंचा दी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अपनी एक नई फिल्म की डबिंग कर रहा हूं और ये फिल्म जो है बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। और फिल्म का नाम क्या है मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। कैसे आप लोग? जन्नत का एक टुकड़ा इस जमीन पर भी है, वो मेरी माँ के कदमों में है। लव यू माँ। माँ का आप लोग ख्याल रखिए, माँ से बढ़कर कोई नहीं। माँ एक ऐसी बैंक है जहां हम हर भावना हर दुख जमा कर सकते हैं। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैलेंस न होते हुए भी आपके सपने पूरे करने की कोशिश करता है। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमीन का कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हश्र भी जानता हूं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने की सहारा बनती हैं, इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती रहती हैं। जिंदगी में किसी भी परेशानी या कड़वाहट को गाइडलाइन मत बनाना, क्योंकि पतझड़ के बाद सावन भी आता है। ये क्या कर रहे हो चाचा? मैं छत पे पतंग उड़ा रहा था तो मेरी घड़ी खुल के नीचे गिर गई, उसको पकड़ रहा हूँ। तो घड़ी अब तक रखी है क्या? वो तो जब ही नीचे गिर गई होगी। ना भाई, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे चले। कोई ऐसा ही गीत सुना दो जो हम जैसे प्रेमियों के दिलों को तड़पा दे। यू चेहरे पर उदासी न ओढ़िए साहब, ये तकलीफ का वक्त जरूर है लेकिन कटेगा मुस्कुराने से। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लव यू ऑल।